भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मेरी दवाई लाने वाला कोई नहीं है। सोफिया मुझे छोड़कर इस हाल में क्यों चले गए। भौजी भगवान पे भरोसा करा भौजी, अगर बबलू भैया निर्दोष हुई है एक न एक दिन वापस जरूर आई भौजी। हम जानते तुहार तबियत ठीक ना बा भौजी। अरे जेकर आदमी जेकर प्राणी जेल में हो यहाँ दशक ले वो कैसे बर्दाश्त करे। भौजी घबरा जी तुहार देख रेख हम तो ना पिंटू भैया है ना अपन छोट माली वो कल के गवाए हैं कि भौजी तोरे सुख दुख में हम हाथ बताए। घबरा जी पिंटू भैया आवते हैं सारी बात पिंटू भैया से तो बता दे भौजी। करेगा क्यों नहीं दिखाता है आवाज लगाई। अरे गम के वहा हो, अरे हम कहे घर में के वहा हो, के भैया बबलू की औरत तुम ही हो भैया। तुमसे मिलने के लिए स्वयं बाबू राम सिंह भट्टा मालिक जी आए हैं। मालिक आया? हाँ। क्या बात है भैया, कौन बात नहीं बा? आओ हमारे साथ। मालिक ने बोलते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मालूम हो गया होगा कि आज मैं तेरे झोपड़ी पर किस ले रहा हूँ। नहीं मालूम है मेरी बात सुन रामपुर। खाली दारू जिन पिया करा नहीं करेजा सुलूक जाए। मालिक भगवान तूने बोले क्या तुमसे बता नहीं क्या रे?
इच्छा करने से इंकार कर रहे मेरी बात। पैसा देने से इनकार तू कर रही, जबरन भट्टे पे तुमको मैं ले जाऊंगा, जब तलक मेरा पैसा मिलेगा नहीं जबरदस्ती काम कराएंगे। साले हमारी बात चिंता कर रही है, हमारी बात चिंता कर रही है, आज हम तुमका भाग चिंत ले जाएंगे भट्टे पर, नहीं तुमसे जबरदस्ती काम करेंगे, नहीं जाएंगे साली, नहीं ग्राम सभा के सभी गरीब मजदूरों को आप सताते, आज तो आपने ऐसा कर दिया, अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश किया तो अभी तो एक ही लाठी मारा हूं, आज 200 लाठी मारूंगा इस सालिकपुर ग्राम सभा का। मैं मालिक हूं, अगर मेरे जीते जी किसी गरीब मजदूर को अगर सताने की कोशिश करोगे तो एक टांग नीचे रखूंगा, एक टांग हाथों में फाड़ कर मैं फेंक दूंगा।
बेटुआ मैं इसका हमदर्द बन रहा है, मेरी मां से हराम हो पंता हमदर्द इसका। अबे बेटुआ ये घर पे पंता में जा करी अरे कहूं का कही आप चेहरे मेरी गावट के सामने एक बात कान खोल कर सुन लीजिए बाबूजी। आज मेरी मां की हत्या करने वाला बबलू मजदूर नहीं है बाबूजी, बल्कि मेरी मां की हत्या करने वाले आप हैं। और आज उस गरीब मजदूर को फंसा करके जेल भेजवा देंगे। और आज इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे अगर अदालत में गवाही देना पड़ेगा तो मैं अदालत में जाकर के यही कह दूंगा कि मेरा बाप ही मेरी मां को मारा था। भलाई इसी में है कि यहां से चले जाएगी, वरना आज तो एक ही लाठी मारा हूं। अगर दोबारा बदतमीजी का दर्जा कर दोगे तो 200 लाठी ही पर मारूंगा। बाबूजी तू ब्लड प्रेशर का मरीज है, पहले तू टानिस ले। गोली खा, जल्दी से गोली खा, टैबलेट हना लतानी से चूरन ला। अब एक चाटा बतावा खांसी कैसे बा। साला बाप को हमारे शराब पिला रहा है, चखना दे रहा है, बोल रहा है कि टैबलेट लीजिए, ब्लड प्रेशर का और चूरन चटा रहा है। इनको देखिए, ये शराब के नशे में आ करके आज गरीबों को ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। शर्म नहीं आती कि इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। गरीबों का यही हाल है, लेने को होता पैसा ले लेते हैं, जब देने को होता सारे नानी मर जाती है। तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। इसका पति बबलू हरामखोर 5000 रुपए मुझसे कर्जा लाया था, पैसा नहीं दिया, पैसा पाते ही तुम्हारी माँ की हत्या करके जेल चला गया। और तू कह रहा है कि हमारे खिलाफ गवाही देंगे, तू हमारा बेटा है। अरे हो सकता है किसी और का बेटा हो। अरे हमारे बेटा होता ऐसा गलत का हमारे साथ न करता। कमीने, अगर अब एक भी शब्द इधर उधर की बातें किया ना तो मैं तेरी जुबान खींच करके रख दूंगा। और तेरी भलाई इसी में है राम सिंह, मैं तुम्हारा औलाद हूं। और आज कहते हो कि तू हमारा बेटा नहीं। अरे तुम क्या जानोगे कि किसका बेटा हूं? तुम तो हर वक्त नशे में धुत रहते हो, मस्त रहते हो, तुम्हें क्या मालूम? मेरी मां ही बता सकती। आज मेरी मां को मार डाले और आज इस गरीब मजदूर को फंसा करके आज उसकी
बीबी के साथ इस तरीके का अत्याचार कर रही हैं? शर्म नहीं आती चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना था। ये सालिकपुर का भगवान हो गया है, राज का हम दर्द बन रहा है। अगर तो इसका हम दर्द बन रहा है या इसका पति हराखोर 5000 रुपया लाया था कर्जा, लाख पैसा आज ही पैसा मैं तुमसे चुकाऊंगा। तो 5000 रुपए के खातिर इस बेचारी अबला को खींच कर घसीट कर ले जा रहे थे भट्ठे पर काम करवाने के लिए। कान खोल करके सुन लीजिए, आज के बाद दोबारा इस शालिकपुर गांव में दिखाई मत देना। गिन करके यहां से दफा हो जाए। का हम दर्द क्यों बढ़ रहा है? मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओ मैं तेरी बात जो समझ गया, मैं तेरी बात जो समझ गया, बबल को हराम को घे चला गया, इसकी बेबी जवान है तो उसके पास दीवाना हो गया है, तो उससे प्यार करता है। कमीने, तू क्या जानेगा, तू तो हर वक्त 24 घंटे शराब के नशे में मस्त रहता है। अरे तो क्या जानेगा कभी गरीबों को दिया तूने? कभी गरीबों को 1 रुपया दिया? रात दिन तुम्हारे भट्ठे पर काम करती हूं, 1 पैसे ज्यादा नहीं देती हो, और आज कहते हो कि मैं उसकी बीबी की तरफ निगाह उठा करके देखता हूं। भलाई शाम को दफा हो जाए यहां से। तो नहीं बोल रहा है बल्कि साले तेरी मौत बोल रही है। आज मैं जा रहा हूं, यहां देखना। मैं सोचता था मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी कर दिया हूं, छोटे बेटे पिंडू की शादी कर दूंगा, जो मेरी सारी जागीर है सारी जागीर में आधवा बांट दूंगा। तो हराम खोर हमारे ऊपर, एक तो हराम खोर हमारे ऊपर हाथ जा करके अच्छा नहीं किया। हराम खोर मैं तुमको इस जागीर से 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बाबूजी तो हर शुगर बढ़ गया है, 12 बज गया है, दवाई ले। ये ज्यादा सेहत पे ध्यान दीजिए, समय समय पर दवाई लिया, 12 बज गया दवाई ले लिया। आज मैं जा रहा हूँ, मैं कसम खाने जा रहा हूँ, जाए तो मैं तुम सब जिंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगा, जाए तो मैं तुम सबको कटोरे लेकर भीख नहीं मंगवा दूंगा, तब तक मैं चैन। बाबू 12 बज गया है, दवाई लिया। सरऊ MBBS डॉक्टर कौन है? समय समय दवाई खावा, मार नहीं पाया तुझे। कौन मुंह खराब कर दिया? हम तो लोका पसके हैं, तुम साल का ही मारे ला रहा ना? इनके पास का नहीं है। हबे में मार तो रहा था, मारा तो। मार रहा शोर, अब रहा का साले के। आप एक काम डॉक्टरी ना, मार मार सब शोर दे साले। बुजुर्ग। सार जब देखा टैबलेट ला, चूरा ला, प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, इस रो रामदेव पतंजलि के दवाई लिया। क्या करोगे यार, जाने दे साले। इसी की वजह से बाबूजी की और आदत खराब हो गई। एक सीसी बाबू मंगाए कि साल जाए 4 सीसी ले जावत है। पैसा क्या करोगे, पैसा है ना बेथा का, कहां जाएगा सब।
भाभी माँ देवर देवर आपने ये क्या किया देवर, मेरी बात सुनो देवर। मार करे के बाबू को तो देवरी मेरे हाथ में ना बोले अच्छा किया मजदूर के जब मैं जान ने खिलाया था तभी मेरी मां को मार दिया था। भाभी मैं सब जानता हूं कि कितना कमीना है। अरे बहुत करेगा तो एक पैसे की दौलत नहीं देगा मुझे। अपनी जागीर से मुझे बेदखल कर देंगे, बस इतना कर सकते हैं। भाभी मां तुम चिंता ना करो, हम अपने जीते जी तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। देवर, देवर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। अरे भाई भैया एक तबीयत बिगड़ गई भैया, देखा प्रमोद मेरे भाई, मेरी भाभी माँ का बच्चा करीब में मुन्ना, इसलिए हमें हॉस्पिटल लेकर चलना बहुत जरूरी है मुन्ना। अगर हॉस्पिटल ना पहुंचे तो मेरी भाभी को कुछ भी हो सकता है। चलो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, उसके बाद पैसे का इंतजाम करते हैं।